हाईवे पर लोधीखेड़ा व रंगारी के बीच कन्हान नदी का पुल बाधा बन गया है। बीते वर्ष कन्हान नदी में आई बाढ़ के कारण रंगारी लोधीखेड़ा मार्ग का पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कन्हान क्षेत्र की जनता को खासी परेशानी हो रही है। लोधीखेड़ा से कन्हान क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण लोगों का संपर्क टूट चुका है। कम समय में नवीनतम पुलिया का निर्माण होना संभव नहीं है। बीते वर्ष 30 अगस्त को पुल का एक हिस्सा धंसने से बारिश के आवागमन की तत्कालीन व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन इस साल की बाढ़ से पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब नया पुल बनने पर ही आवागमन शुरू हो पाएगा। कन्हान नदी से आवागमन की सुविधा बंद होने से रंगारी व आसपास के 20 गांवों का सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। इन गांवों के लिए बाजार के अलावा रेल बस यात्री की सुविधा मात्र लोधीखेड़ा से ही है। लोधीखेड़ा रंगारी की खेती नदी पार है। मार्ग बंद होने से गांव के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नौकरी, स्कूल, बाजार सहित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो गई। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो चुका है। राहगीर टूटे पुल से आवागमन कर रहे हैं, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सामान्य नागरिकों से पूछताछ करने पर बताया कि 25 साल से बना ये पुलिया, अभी तक इतनी बड़ी बड़ी बाढ़ आई पर इस पुलिया को कुछ नहीं हुआ। पुल टूटने का मुख्य कारण रेत उत्खनन है, जो कि बीते 3-4 साल से पुलिया के पास से रेत उत्खनन करते हैं, जिसमें कुछ नेता भी शामिल होने की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय नेताओं द्वारा नदी के पानी बहाव को बोरी बंधान से रोककर यहां पर पर्यायी रास्ता बनाए जाने का कार्य शुरू होना है। गौर किया जाए तो लंबे समय से यह पुलिया टूटा पड़ा है। ऐसे में इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो जाहिर हो गई है कि आखिरकार जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस और सार्थक पहल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लोधीखेड़ा रंगारी मार्ग पर बना हुआ यह कन्हान नदी का पुलिया, जो कि पिछले साल में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके पहले भी एक पुलिया गिर चुका था, तो कैसे भी यहाँ की जनता ने उस पुलिया को रफ्तों के द्वारा तैयार करके आवक जावक शुरू की थी, लेकिन इस साल में जो बाढ़ हुई, इस बाढ़ से पूरी तरह यह पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ है। जहाँ पर विद्यार्थी लोगों का पढ़ाई के लिए जो लोधीखेड़ा मार्ग लोधीखेड़ा जाते थे, उसी प्रकार यहाँ पर यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उनके लिए भी बहुत ही तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है। और यहाँ के जनता से जब हमने संपर्क किया तो यहाँ के आप क्यों बैठे हो भैया? कहीं नहीं भैया, मैं जा रहा हूँ दवाखाना लोधीखेड़ा में, पैदल जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो पुलिया है इसके आजू बाजू में जो रेत का उत्खनन हो रहा है, जिसके पोकलिन से जो रेती निकाली गई है, उसके वजह से भी ऐसे पुलियों क्षतिग्रस्त हो गया है। और इधर भी अभी चालू है, तो इसके वजह से पुलिया पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं लोधीखेड़ा सर, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में हो आप? हाँ। क्या किस पोस्ट पे हो क्या? हाँ, मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ रंगारी में, और डाक वितरण का भी कार्य करता हूँ। तो मुझे हर दिन डेली जाना पड़ता है लोधीखेड़ा यशो में डाक पहुँचाने के लिए। मेरे तरफ से इस कन्हान के पुलिया के बारे में हमेशा इस क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको भी मैंने यहाँ संसद में ज्ञापन दिया था, और नवभारत की कटिंग भी उनको सौंपा था। उसके बाद मैं माननीय नितिन जी गडकरी से भी मिला कि भाई इस बार ये पुलिया जो स्टेट हाईवे बना है, इतने लागत से बनने के बाद आज ये पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद है, और नए पुलिया का निर्माण कार्य अभी बंद पड़ा है, क्योंकि ठेकेदार का कहना यह है कि शासन द्वारा 5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है, इसके कारण मैंने काम नहीं किया है। जब तक शासन भुगतान नहीं करेगी तब तक मैं ये काम चालू नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ के क्षेत्र की जो जनता है एकदम पूरी तरह से टूट चुकी है, आक्रोश है, और कन्हान क्षेत्र प्लस व्यापारी संगठन लोधीखेड़ा ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 8-10 दिन के अंदर नेशनल हाईवे रेमंड चौक जाम कर दिया जाएगा, यदि इसका हल निकाला नहीं जाए तो। दूसरी बात, यहाँ वैकल्पिक मार्ग भी बन सकता है, लेकिन यहाँ प्रशासन वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए ध्यान नहीं दे रहा है, और जनता यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियों से और पैदल चलकर यहाँ से जाते हैं, और किसी दिन यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने की भी संभावना है। ये क्षतिग्रस्त होने का कारण यह है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफ़ी संवेदनशील सरकार है, लेकिन कुछ कारण ऐसे है कि जो
पूरी जनता देख रही है ये पुलिया क्यों टूटा है और इसका कारण इस क्षेत्र की जनता जानती है और मानती भी है, लेकिन उसके तरफ प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया इसलिए यह पुलिया टूटा। नहीं तो यह पुलिया किसी भी कारण से टूट नहीं सकता था, ये 10-15 साल इस पुलिया को कुछ नहीं हो सकता। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए गजानन बोरकर की रिपोर्ट।